125 सीसी के सेगमेंट में दो बाइक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। पहली है बजाज कंपनी की पल्सर 125, दूसरी है होंडा कंपनी की एसपी 125। लेकिन इन दोनों बाइक्स में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि इन दोनों बाइक में से सबसे अच्छी बाइक कौन सी है, आपके लिए कौन सी बेहतर है। तो गाइस, इस वीडियो में साइड बाय साइड मैसिव कंपैरिजन करेंगे इन दोनों बाइक का और देखेंगे आपके लिए कौन सी बाइक बेहतर है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेक्निकल SHT YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से न्यू टाइम एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। गाइस, मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये बात क्लियर किए देता हूं कि मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों बाइक के डिटेल फीचर्स नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि बजाज पल्सर 125 से होंडा SP 125 में क्या बेहतर है और होंडा SP 125 से बजाज पल्सर 125 में क्या बेहतर है। लेकिन गाइस, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, यदि आप इनका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी डिटेल वाली रिव्यू चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए गाइस, कंपैरिजन की स्टार्टिंग करते हैं बजाज पल्सर 125 के डिजाइन से। ये है इस बाइक की लेफ्ट साइड से प्रोफाइल, जो कि कुछ इस तरीके की है। बजाज पल्सर 125 में वही पुराना वाला ही डिजाइन आता है, कंपनी ने कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किए हैं, बस एक नया कलर आ गया है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ग्रे कलर में है, मैट ग्रे कलर में है, जिसके ऊपर ग्रीन कलर के स्टिकर लगे हैं, जो कि अब ये सिंगल सीट में भी आ गया है, पहले ये कलर स्प्लिट सीट में था। हेलोजन के साथ में इसकी हेडलैम्प मिलती है और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी बल्ब दिए गए हैं, कोई भी यहाँ पर DRL नहीं मिलते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर का स्टिकर दिया है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। आइए इसके फ्रंट व्हील की बात करते हैं। इस बाइक में दो वेरिएंट आते हैं, डिस्क वेरिएंट और ड्रम वेरिएंट। डिस्क का केवल ऑप्शन फ्रंट व्हील में ही है। फ्रंट व्हील में MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज आपकी स्क्रीन पर है, 8017 यानी कि 17 इंचेस के इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। आइए अब मैं आपको इसके टैंक का डिज़ाइन दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है। आप लोग देख सकते हैं टैंक कॉल भी लगा हुआ है, यहाँ पर पल्सर 3D में लिखा हुआ है, टैंक कॉल पर भी यहाँ पर स्टिकर्स लगे हैं। इस बाइक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट ये है कि आज की डेट में भी इसमें आपको कार्बोरेटर ही मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन इसके इंजन में आपको नहीं मिलता है। ये जो कार्बोरेटर वर्जन है वो उन लोगों के लिए तो सबसे अच्छा होगा जिन लोगों को फ्यूल इंजेक्शन पसंद नहीं है। 125 सीसी के सेगमेंट में बस यही बाइक ऐसी रह गई है जिसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन नहीं मिलता है, कार्बोरेटर आज की डेट में भी मिलता है। इस बाइक में 124.4 सीसी का इंजन लगा है। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.8 न्यूटन मीटर का। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गियरबॉक्स मिलता है। इस बाइक को स्टार्ट करने के लिए कंपनी ने इसमें दो फीचर्स दिए हैं, पहला आप सेल्फ के जरिए कर सकते हैं और दूसरा इसमें किक भी मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक में एक और एडिशनल फीचर मिलता है, जो कि है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। जी हाँ गाइस, 2022 में अब जितनी भी बाइक आ रही हैं, ज़्यादातर कंपनियां अपनी बाइक्स में ये फीचर अब लगाकर दे रही हैं। वैसे तो ये बाइक कम्यूटर कैटेगरी की है, लेकिन इसको स्पोर्टी लुक देने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। इस बाइक के सीट का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है। सिंगल सीट में भी ये बाइक आती है और इसी के साथ साथ स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन है। आइए अब मैं आपको इसके हैंडल का डिज़ाइन दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है। इसके लेफ्ट हैंडल पर कुछ फीचर बटन मिलते हैं, जिनको देख लेते हैं। पासिंग स्विच मिलता है, लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और नीचे की तरफ एक हॉर्न का स्विच मिलता है। और इसके राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच मिलता है और एक सेल्फ स्विच मिलता है। आइए अब मैं आपको इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ, जो कि सेमी डिजिटल है। आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके इग्निशन को जैसे ही मैंने ऑन किया, इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से है। लेफ्ट साइड में RPM मीटर मिलता है और राइट साइड में एक डिस्प्ले दी हुई है, जहाँ पर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस बाइक में कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। इस बाइक के अगर रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो हाइड्रोलिक मिलते हैं। अगर रियर टायर की बात की जाए तो MRF कंपनी का रियर टायर है, जो कि एक ट्यूबलेस टायर है और इसका साइज मैं आपको दिखाता हूँ, 180-17 इंचेस, यानी कि आगे वाले टायर से पीछे वाला टायर थोड़ा सा चौड़ा है। इसकी हेडलाइट हेलोजन में मिलती है, लेकिन इसकी टेल लाइट जो है वो LED के साथ में मिलती है। आइए अब मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसके इंजन और इसके एग्जॉस्ट के साउंड को सुनाता हूँ। सेल्फ जैसे ही लेते हैं आप इस बाइक में, एक ही बार में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। देखिए, बाइक स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग इसका RPM देख सकते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है जब मैं इसका एक्सीलेटर ले रहा हूँ। जैसे ही इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इसके जो जितने भी बटन्स हैं उन सभी के पास में लाइट जल चुकी है, जो कि मुझे बजाज का पर्सनली सबसे अच्छा फीचर लगता है।
बाइक को स्टार्ट करने के बाद इसकी हेडलाइट भी जल जाती है। अब आप इसके इंजन और एग्जॉस्ट के साउंड को सुनिए। तो आपको इसके इंजन का साउंड कैसा लगा, इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आइए अब मैं आपको इसका स्प्लिट सीट वाला भी वर्जन दिखा देता हूँ। ये देखिए 125 सीसी के सेगमेंट में दूसरे कलर में ये सिंगल सीट में खड़ी हुई है और ये खड़ी है स्प्लिट सीट में। आइए गाइस अब बात कर लेते हैं होंडा SP 125 के डिजाइन की। इस बाइक की राइट साइड से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। होंडा SP 125 की जो हेडलैम्प है वो फुली LED में है, कोई भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा DRL देखने को नहीं मिलते हैं। इसके फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगाकर दिए हैं। एलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसके एलॉयज का डिजाइन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा है। होंडा SP 125 भी दो वेरिएंट में आती है, डिस्क वेरिएंट और ड्रम वेरिएंट। इसके अगर फ्रंट टायर की बात की जाए तो इसमें सीएट कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज है 80/118। आइए अब मैं आपको इसके फीचर स्विच दिखा देता हूँ। लो बीम, हाई बीम और पासिंग स्विच मिल जाता है। यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और नीचे की तरफ एक हॉर्न का स्विच मिलता है। आइए राइट हैंडल की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही स्विच मिलता है जो कि इंटीग्रेटेड है। यही आपका जो स्विच है वो सेल्फ के भी काम में आता है और इंजन किल स्विच के भी काम में आता है। वैसे कंपनी को ये डेडिकेटेड देना चाहिए था। आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बाइक की मैं आपको चाबी दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरीके की है, नॉर्मल है। आइए फटाफट से इसके इग्निशन को ऑन करते हैं और मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ जो कि फुल्ली डिजिटल है। ये देखिए कुछ इस तरीके की इसकी स्टार्टिंग है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं लेकिन आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। जैसे ही इसके इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके की। आइए अब मैं आपको इसके टैंक का डिजाइन दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है। थोड़ा सा रोबोटिक डिजाइन लगता है, आपकी क्या चॉइस है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मुझे टैंक का डिजाइन उतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं लगा है। आइए अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं। 124 सीसी का इसमें इंजन मिलता है जो कि एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SIFI इंजन है। इस बाइक में साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है, इसी के साथ साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियर बॉक्स भी मिलता है। अगर इन दोनों बाइक के इंजन की बात की जाए तो बिल्कुल सेम है, सेम कैटेगरी के हैं और इसी के साथ साथ इनकी जो मैक्सिमम पावर है, टॉर्क है, उनमें भी कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। इस बाइक में अभी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर लगाकर दिया है जो कि 2022 में अब जितनी भी बाइक आ रही हैं उन सभी में ये फीचर लगकर आ रहा है। रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो इसमें हाइड्रोलिक मिलते हैं। इस बाइक के अगर रियर टायर की बात की जाए तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहीं पर है। जी हाँ गाइस, इसमें भी कंपनी ने जो आगे वाला टायर मिलता है सेम पीछे वाला ही दिया है जिसका साइज है 80/118, जबकि पल्सर 125 में 180/117 का टायर मिलता है। जितने कस्टमर भी हैं होंडा के सभी लोगों से यही शिकायत है कि वो रियर वाला टायर जो है वो पतला देते हैं। होंडा कंपनी को अब समय के हिसाब से इस चीज़ को अब सुधार देना चाहिए। इसकी टेल लाइट मैं आपको दिखाता हूँ जिनका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बल्ब के साथ में इसकी टेल लाइट मिलती है। अगर गाइस आप इसके टायर को लेकर ही इस बाइक को ड्रॉप कर रहे हो तो ये आपका गलत डिसीजन हो सकता है क्योंकि इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। ये बाइक जो है काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ निभाएगी और यदि आप इसके टायर की वजह से ही आप इसको ड्रॉप कर रहे हो तो आप इसको ना करें ड्रॉप, क्योंकि कुछ समय चलाने के बाद आप इसके रियर टायर को भी चेंज करा सकते हैं लेकिन उससे क्या होगा, माइलेज पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाएगा। इस बाइक में भी किक स्टार्ट का फीचर मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आइए अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि इन दोनों बाइक में से आपके लिए कौन सी बेहतर होगी। देखिए गाइस, जो होंडा SP 125 है वो यंगेस्ट भी चला सकते हैं और ओल्डेस्ट पर्सन भी चला सकते हैं। एज के अकॉर्डिंग ये बाइक किसी पर भी ऑड नहीं लगेगी। और गाइस, इस बाइक में 2022 में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अगर आप उनको जानना चाहते हैं मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो जरूर देख लें। वहीं दूसरी ओर गाइस, अगर पल्सर के डिज़ाइन की बात की जाए तो इसको यंगेस्ट चलाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन अगर किसी एक एज के बाद अगर इसको पर्सन चलाता है तो उन पर थोड़ी सी ऑड ये लगती है। लाइक 55-60 के बाद अगर इसको कोई चलाता है तो उन पर थोड़ी सी ऑड लगेगी मेरे अकॉर्डिंग। आपकी क्या चॉइस है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फीचर वाइज अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो पल्सर 125 में आपको हेडलैम्प जो है वो LED में नहीं मिलती है बल्कि हेलोजन में मिलती है। वहीं दूसरी ओर SP 125 में आपको
एलईडी में मिलती है। पल्सर 125 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो सेमी डिजिटल मिलता है। एसपी 125 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है। इन दोनों बाइक्स की कीमत और उनका माइलेज लगभग बराबर है। जिस किसी को भी लंबे समय के लिए एक बाइक चाहिए हो वो एसपी 125 की तरफ जा सकता है, और जिस किसी को भी शॉर्ट टाइम के लिए एक बाइक चाहिए हो वो पल्सर 125 की तरफ जा सकता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने लिए एक बेहतर बाइक सिलेक्ट कर ली होगी। आपने कौन सी बाइक सिलेक्ट की है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा और लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। और अब आप दूसरा काम ये करिए, जो भी आपने बाइक सिलेक्ट कर ली है उसका डिटेल में रिव्यू जाकर जरूर देख लें, क्योंकि 2022 में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं जिनको आपको उनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन दोनों बाइक्स की बहुत सारी लेटेस्ट एक्सेसरीज मार्केट में आ गई हैं, उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके उनको बेस्ट ऑफर में खरीद सकते हैं। अब आप होंडा एसपी 125 के इंजन और एग्जॉस्ट का साउंड सुनिए। प्रेस करने पर गाड़ी स्टार्ट हो गई है और इसका अब आप साउंड सुनिए। इंजन में बिल्कुल ही नॉइस नहीं है भाई, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, और इसके एग्जॉस्ट से भी थोड़ी बहुत ही साउंड आती है नॉर्मल में। राइट साइड में जो स्विच दिया हुआ है सेल्फ वाला और इंजन कूल वाला, उससे इंजन बंद कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली ऊपर की तरफ एक बार प्रेस कर देना है, आपकी बाइक का इंजन बंद हो जाएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव वो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।